अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। बाइक बोर्ड घोटाले में ईडी द्वारा मारे गए ताबड़तोड़ छापों से इस घोटाले से जुड़े लोगों की नींद उड़ा दी है। ईडी की जांच का केंद्र वे बिंदु है जहां बाइक बोर्ड के जरिए कमाया गया पैसा खपाया गया है। महाघोटालेबाज संजय भाटी ने भोले भाले लोगों की जेब पर डाका डालकर करीब 42,000 करोड़ रुपए जुटाया है। इस पैसे से ही कई एजुकेशन सेंटर, महंगी प्रॉपर्टी, लग्जरी कारें व टीवी चैनल खरीदे गए हैं। इनमें नोएडा का ग्रैंड वेनिस मॉल भी शामिल है। संजय भाटी और उसके करीबी ग्रुपों ने जिस तरह से जालसाजी का जाल बुना है और जिस तरह से सरकारी एजेंसियां कछुए की गति से आगे बढ़ रही थी, उसे देखते हुए निवेशकों में जरूर निराशा थी। लेकिन इस छापेमारी से उन्हें कहीं ना कहीं इस उम्मीद की आस जगी है कि देर सवेर से ही उनका पैसा उन्हें जरूर मिल जाएगा। सीबीआई से पहले ही ईडी अभी तक इस घोटाले से जुड़े करीब 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर चुका है। इन लोगों को तलब कर ईडी उनसे कंपनी के साथ हुए लेन देन का हिसाब ले रही है। यह लोग देश के अनेक जेलों से हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या मेरठ मंडल में रहने वालों की है। कुछ संदिग्ध बैंक खाते भी ईडी के रडार पर बताए जा रहे हैं। दादरी स्थित बाइक बोर्ड कार्यालय पर भी निवेशकों का धरना जारी है। धरनारत निवेशकों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, जब तक उनका पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, वे धरने से उठने वाले नहीं है। गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय भाटी ने बाइक बोर्ड के नाम पर ऐसा जाल बुना था कि हर कोई उसमें फंसता चला गया। इसमें फंसने वालों में फौजियों की संख्या ज्यादा है। जिन लोगों ने अपने फौजी साथियों का पैसा बाइक बोर्ड में लगवाया, उन्हें उपहार स्वरूप लग्जरी कारें दी गई। ऐसा ही एक नाम बुलंदशहर शाना गांव का पुष्पेंद्र है। बताया जा रहा है कि अकेले पुष्पेंद्र नहीं, करीब 10 करोड़ रुपए अपने परिचितों के बाइक में लगवाए हैं। उसे फॉर्चुनर कार गिफ्ट में दी गई थी। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। बाइक बोर्ड के दादरी स्थित कार्यालय पर धरनारत पीड़ित निवेशकों की यह शिकायत बराबर रही है कि पुलिस पुष्पेंद्र जैसे मोहरों को तो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन संजय भाटी के बाद मास्टरमाइंड बीएन तिवारी, कर्णपाल, भूदेव, ललित, दीप्ति बहल जैसे महाघोटालेबाजों पर हाथ डालने से कतरा रही है। अब एकाएक ईडी के हरकत में आने के बाद पीड़ित निवेशकों में एक उम्मीद जाग गई है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने पेटर टेक्नोलॉजी, पाइमेक्स प्लास्टिक और पाइमेक्स ब्रॉडकास्ट व प्रेरणा सर्विसेज के ठिकानों पर भी छापे मारे हैं। दरअसल पेटर टेक्नोलॉजीज पर मेरठ निवासी विजेंद्र सिंह का स्वामित्व रहा है। विजेंद्र ने ही अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम से बिग बी टीवी खरीदा था। इसके बाद यह घोषणा की गई थी कि यह रिलायंस टीवी यानी इंडिपेंडेंट एक साल तक सभी पेड चैनल मुफ्त में मुहैया कराएगा। इसके लिए करीब 2900 रुपये प्रति ग्राहक से वसूले गए। ग्राहकों की संख्या देश भर में करीब 17 लाख बताई गई है। यह चैनल चल पाता इससे पहले ही टीवी कार्यालय से निदेशक विजय सिंह आदि और टीवी से सिग्नल देखते ही देखते गायब हो गए। हालांकि विजय सिंह का दावा यह है कि वह पेटल टेक्नोलॉजी संजय भाटी को बेच चुका है। काफ़ी पैसा अभी संजय ने दिया भी नहीं है, जिसका वाद हाईकोर्ट तक जा चुका है। जाहिर है संजय भाटी ने इस चैनल को खरीदने के लिए जो रकम जुटाई वह बाइक बोर्ड के पीड़ित निवेशकों की ही है। विजेंद्र भी तब से ही विदेश में भूमिगत बताया जा रहा है। इसके अलावा ईडी ने अपनी जद में नोएडा स्थित ग्रैंड वेनिस मॉल को भी लिया है। बताया जा रहा है कि संजय भाटी ने करीब 150 करोड़ रुपये यहाँ इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी, जिसमें संजय भाटी ने बाइक बोर्ड का पैसा लगाया है। इसके अलावा कुछ कोऑपरेटिव बैंक भी हैं जिनमें संजय भाटी ने बाइक बोर्ड का पैसा लगाया है। इन बैंकों के चेक संजय ने यह कहते हुए निवेशकों को दिए थे कि एक साल बाद सभी कैश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग बैंक व अलग अलग खातों से काटे गए इन चेक पर भी अलग अलग लोगों के ही हस्ताक्षर थे। लोगों ने इस पर एतराज जताया तो उन्हें यह रटा रटाया जवाब सुनने को मिलता रहा कि यह सभी बैंक अपने हैं, सभी के चेक कैश हो जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में 5 लाख से अधिक निवेशकों ने इस कंपनी में पैसे लगाए थे। इस मामले में नोएडा में 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि देश के विभिन्न जगहों पर 500 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आइए दिखाते हैं धरना लोगों को ईडी की कार्रवाई के बाद वे क्या बता रहे हैं। बाइक बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से धरनार्थी भाई बीएन तिवारी ने
ऐसा चक्रव्यूह या ऐसा षड्यंत्र रचायो के 2.5 लाख जनता आज उसका घर पहुंचा दी। मतलब बात ऐसी है भाई, इनके द्वारा आज सिवाय मतलब आत्मदाह के कोई रास्ता नहीं रहा। मैं बात करूं इन ठगों की, यार 62 ठगों में तो मात्र 10-12 पकड़े गए, और ये जो मास्टरमाइंड है बीएन तिवारी, इसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही। यूदाना जब तक कच्चा लगा, जब तक जनता का पैसा पाई पाई नहीं मिले, हम आर पैर के लिए बैठे जो यहाँ पर हमें उठाने की कोई भी कोशिश करी जाके दबाव भी डर लगा हमारी लाश तो जा सक लेता, हम इतना उठने वाले नहीं। ईडी की जांच से बाइक बोट पीड़ित निवेशकों में कुछ आस जगी हुई है, जब तक ये आस है हम यहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। 13 फरवरी को हमने एक चेक लगाया बैंक में, इसका कैश में वो नहीं मिला हमें, जो हम अभी केस कैसे कर रहे हैं भाई। मेरा तो एक ही कहना है शासन से और प्रशासन से कि भाई जो भी आप छापेमारी कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो भाई, निवेशक बहुत ही पीड़ा के अंदर है। और दूसरी चीज, जो भी आप कार्रवाई कर रहे हो उसे इतना त्वरित करो कि आने वाले तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर जो पीड़ित जनता है उसका पैसा उन्हें सकुशल दे दिया जाए। जब तक बीएन तिवारी, भूदेव, करणपाल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, रविंदर वर्मा, रेखा वर्मा और भी बहुत सारे ठग हैं, जब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। बीएन तिवारी, करणपाल जो सिग्नेचर कर गया 2.5-3 लाख चेकों पे, उनकी गिरफ्तारी चाहिए हमें। नोबल कोऑपरेटिव बैंक में जो चेक लगाए जा रहे हैं उनके भी मेमो नहीं मिल रहे। इस खबर में आज बस इतना ही। देखते रहिए आप फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।